परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 153 जीवों का उपकार। प्यारी धर्मानुरागनी जनता, चेतन आत्मा शरीर के अंदर है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर शरीर के आवरण हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण के रूपों में। ये चारों किस्म के आवरण घूंघट हैं, पर्दे हैं। ये पर्दे खुल जाएं तब ईश्वर दर्शन हो जाए। चारों पर्दों से ऊपर उठा जाए तब ईश्वर दर्शन हो जाए। घमंड नहीं करो, अंतर ज्योति को ग्रहण करो, उसके अंदर अपनी चेतन आत्मा को प्रवेश कराओ और अंतर्नाद का साधन करो। इसी बात में यहाँ और वहाँ आपका कल्याण होगा। जो इस बात को जानकर भजन नहीं करते, उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शूकर स्वान श्रृगाल सरिसजन, जनमत जगत जननी दुख लागी। केवल अपनी माता को कष्ट देने के लिए वे जन्म लेते हैं जो भजन नहीं करते। बिल्कुल ठीक कहा, ईश्वर भजन करो, घूंघट के पट से अपने को ऊपर उठाओ और शून्य में योग युक्ति से प्रकाश करो। दादू दयाल जी कहते हैं कि नीके राम का तू है बपुरा, घर माए घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा। सुंदर सन्मुख जागण लागी, ता मोहन मेरा मन पकड़ा। बिन रस ना मोहन गुण गावे, नाना वाणी अनवय अपरा। दादू अनहद ऐसे कहिए, भगति तत्व यौ मारग सकरा। ये भी वही बात कहते हैं, घर के अंदर घर को पवित्र रखो, स्थूल शरीर को शौचादि से पवित्र करो, सूक्ष्म शरीर को पवित्र करो, उसके ऊपर से स्थूल शरीर को हटाकर कारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से सूक्ष्म शरीर को हटाकर और महाकारण शरीर को शुद्ध करो, उसके ऊपर से कारण शरीर को हटाकर पवित्रता के साथ साथ गतिशीलता न हो असंभव है। गतिशीलता से ही आवरण उतरते हैं। आवरणों से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में रत हो, संत लोग यही बात कहते हैं। हम लोग दैनिक
साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक सत्संग करते हैं, बारंबार दोहराने से बात याद रहती है। सत्संग में ईश्वर भजन के लिए प्रेरणा मिलती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। आज इस समय यहाँ अखिल भारत साधु समाज के पूर्णिया जिला साधु समाज के संयोजक आए हुए हैं और अपना लेखबद्ध वक्तव्य भी पाठ कर सबको सुनाया। अतएव मैं भी उक्त साधु समाज के विषय में कुछ कहूँ उचित जचता है। अखिल भारतीय साधु समाज के संगठन का पहला काम साधु समाज के संभाल के लिए अपेक्षित है। हम साधु लोग अपना संभाल करके जनता के संभाल के लिए भी प्रयास करें, यह उचित और आवश्यक है। मेरी प्रार्थना से मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि यह समाज उन्नति करता हुआ आगे बढ़े, यह समाज पहले अपना संभाल करे। जो महात्मा सुधरे हुए हैं उनको कुछ कहना नहीं है, जो सुधरे हुए नहीं हैं उनको अपना सुधार करना चाहिए। यदि गलती हो जाए तो संभलना चाहिए। साधु को वह काम नहीं करना चाहिए जो साधु के करने के योग्य नहीं हो। साधु को चाहिए कि पहले अपने को संभालें, फिर दूसरे को सिखावे। अपने को नहीं सुधार कर दूसरे को क्या संभालेंगे। मामूली ज्ञान में हम सब जीवात्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसा मैं वैसा दूसरे। मैं सुखी दुखी होता हूँ, वह भी सुखी दुखी होता है। मैं भी दूसरे की सहायता चाहता हूँ, वह भी चाहता है। उसकी मांग के पहले उसकी पूर्ति हम करें तो परमात्मा रंज नहीं हो सकते। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करता है तो पिता खुश होते हैं। उसी तरह एक जीव दूसरे जीव की सेवा करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। एक भाई दूसरे भाई की सेवा करो, जीवों का उपकार करो। मैं सेवा करने से रोकता नहीं, किंतु ईश्वर भजन करो और जनता की सेवा भी करो। महात्मा गांधी जी ने बहुत भजन किया था, तब तो मरते समय मुंह से हे राम निकला, नहीं तो बाप रे बाप क्यों नहीं कहा। ईश्वर भजन नहीं करके और कामों को करना, मैं वैसा ही समझता हूँ जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ आ जहन राम पद पंकज भाऊ। ईश्वर भजन छोड़कर जनता की सेवा अपवित्र सेवा है। अपने मन की संभाल देखकर जानोगे कि तुम में कितनी पवित्रता या अपवित्रता है। सेवा पहले घर से होती है। बच्चे दाने दाने के लिए तरसते हैं और अपने चले हैं जनता की सेवा करने। अपने घर की सेवा पहले करो, फिर जनता की भी सेवा करो। जो बहुत बड़े महात्मा हैं
जो ध्यान में मग्न रहते हैं उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनकी एक ही दृष्टि से जनता का क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। वे जनता के लिए क्या क्या सोचते हैं करते हैं वे ही जानते हैं। नशीली चीजों को छोड़ो, मैं साधु हूं मुझको गृहस्थ क्यों नहीं खिलावेगा यह दावी नहीं रखो। घर घर का मेहमान नहीं बनो, अपनी कमाई करो और खाओ। गृहस्थी में रहो या विरक्ति में रहो, काम रोजगार करो और परमात्म भजन करो। तुलसी कर पर कर धरो, करतर कर न करो। अजा दिन करतर कर करो, तादिन मरण भलो। गोस्वामी तुलसीदास जी। संत कबीर साहब कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। कोई कहे कि मैं मांगता नहीं हूं तो तुम कैसे नहीं मांगते हो, तुम किसी के यहाँ नहीं जाओ। जो कोई थोड़ा थोड़ा कई घरों से मांग लेता है वह विशेष भार नहीं देता है, और जो एक ही आदमी के यहाँ जाकर खाता है वह विशेष भार देता है। ईश्वर भजन करो, अपना आचरण ठीक बनाओ, अपनी कमाई करके खाओ और जनता की सेवा भी करो। गुरु महाराज के प्रतिज्ञा पत्र पर हमने हस्ताक्षर किए हैं कि संत मत की उन्नति में तन मन धन से हमेशा मददगार रहेंगे। इसको मत भूलिए, संत मत की उन्नति इसलिए कि इससे अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होता है। इस ज्ञान को फैलाना चाहिए, इसमें स्वार्थ परमार्थ दोनों हैं, इससे जनता का बड़ा लाभ होता है। ऐसा मत चूको कि किसी वार्षिक सत्संग में उपस्थित न हो। बोलिए श्री सतगुरु की जय। यह प्रवचन 52वां महाधिवेशन शिकलीगढ़ धरारा पूर्णिया में दिनांक 7/3/1960 ईस्वी को रात्रि कालीन सत्संग में हुआ था।